लखीमपुर की घटना पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विशुद्ध रूप से कांग्रेस के लोग इस राजनीतिक पहलुओं पर राजनीति करना चाह रही है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुआवजा की घोषणा कर दी है, अब वहां जाने से क्या मिलेगा। बस्तर में जो घटना होती है वहां जाने की झमक तक नहीं उठाई जाती। आदिवासियों की गोली से मौत पर मुआवजा तक नहीं दिया जाता। दिल्ली में कांग्रेस विधायकों के डेरे पर भी डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की साजिश। पार्टी को यह बताने की कोशिश है कि अगर बदलाव हुआ तो पार्टी के विभाजन हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार एक लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, मगर जिस प्रकार उसको लेकर राजनीति पूरे प्रदेश में हो रही है, सभी राजनीतिक दल के लोग उसके सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के तुरंत इस सारे विषय के लिए उच्च स्तरीय जांच के लिए उन्होंने घोषणा की और उन परिवारों को सहायता के लिए मृतक परिवार को राशि उपलब्ध कराई है 45 लाख रुपया और घायलों के लिए 10 लाख रुपया। मगर इस सारे विषय को लेकर जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लखीमपुर जा रहे हैं, मगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है, बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं, उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई। न राहुल गांधी, न प्रियंका और न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए, कोई जुडिशियल इंक्वायरी की बात तो छोड़िए, पार्टी के लोगों को जांच दल बना के उसकी जांच कराई। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में और देश में, ये निश्चित रूप से उचित नहीं है।